अब उनके घोषणा पत्र में देखिए कि कैसे एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करके वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं, वो जो देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने पहले भी धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्द कौन लेकर आया? इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। कौन बर्दाश्त करेगा? इस देश पर पहला हक गरीब का है, किसान का है, हमारे जनजाति दलित भाइयों का है। और कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती रही, तो ये स्वीकार्य नहीं है। और मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी एक धर्म पद के लिए योजना नहीं बनाई, 140 करोड़ लोगों के लिए बनाई, इनको अपना परिवार का मानकर बनाई। लेकिन कांग्रेस कहीं कहीं तुष्टिकरण के आधार पर चली, इसीलिए आज रसातल पर आ गई। 156 की बातें करती थी विधानसभा में, आईना दिखा दिया राजस्थान की जनता ने।